हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम 110 सीसी में आने वाली सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल और काफ़ी अच्छी पावर फिगर वाली बाइक के बारे में, जो कि आती है अपनी TVS की रेडियोन। यहाँ पर अगर आप स्प्लेंडर के बाद कोई बाइक लेना चाहते हैं स्प्लेंडर के कॉम्पिटिशन में, तो यहाँ पर आपको TVS की रेडियोन देखने को मिल जाती है, जो कि आपको काफ़ी अच्छे शानदार फीचर्स के साथ में देखने को मिल जाती है। और साथ ही इसमें आपको काफ़ी अच्छा पावरफुल इंजन भी देखने को मिल जाता है। और साथ ही यहाँ पर आता है TVS का इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन, जिससे कि TVS कहता है कि इसमें आपको 50% ज़्यादा माइलेज देखने को मिल जाती है दूसरे फ्यूल इंजेक्शन के मुकाबले। सबसे पहले बात करें यहाँ पर इसका हाईलाइटेड पॉइंट की, तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी आप सामने देख रहे हैं इसका ड्यूल टोन कलर। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आपको रेड और ब्लैक ड्यूल टोन कलर देखने को मिल रहा है, जो कि देखने में काफ़ी शानदार दिखाई दे रहा है। और साथ ही यहाँ पर इसमें आपको टैंक पैड भी देखने को मिल जाते हैं। इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं, जो कि इसमें आपको काफ़ी अच्छे और यूनिक देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यहाँ पर इसमें आपको एक कार के जैसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको इसमें इकोनॉमी और पावर मोड भी देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि आपको पता चलता रहेगा आपकी बाइक कैसे चल रही है। और साथ ही यहाँ पर इसमें आपको इंडिकेटर, टर्न इंडिकेटर के दोनों साइड में यहाँ पर आपको न्यूट्रल और ये अपना हाई बीम का देखने को मिल जाता है। ये अपने इंजन चेक लाइट है और यहाँ पर ये आता है अपने साइड स्टैंड। तो यहाँ पर और यहाँ पर ये अपने एनालॉग में ही है इसका फ्यूल गेज, और साथ ही इसमें आपको स्पीड ये शो करता है। तो कुछ काफ़ी अच्छा आपको इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिला है, जिसमें कि आप देख सकते हैं इसके सराउंड में आपको क्रोम देखने को मिल रही है। बीच में TVS का लोगो है, जो कि देखने में काफ़ी शानदार दिखाई देता है। ये इसका एक यूनिक फीचर हो गया। और बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इसके टैंक का डिज़ाइन भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। TVS यहाँ पर आपको 3D में लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। और साथ ही यहाँ पर इसमें आपको ये प्लास्टिक का आता है टैंक पैड, जो कि प्रोटेक्ट करता है आपके टैंक को और काफ़ी अच्छा भी देखने में लगता है ये। और साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं आप ये आती है यहाँ पर रेडियन की ब्रांडिंग, जो कि आती है 3D में। यहाँ पर रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन आपको काफ़ी शानदार देखने को मिल जाता है। ये अपने ड्यूल टोन वेरिएंट है। और साथ ही यहाँ पर आता है ये इसका क्रोम, जो कि आपको यहाँ पर जो ये सारी चीज़ें हैं अंदर की उनको छुपाने के लिए यूज़ किया गया है, तो काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर आपको इसमें 110 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है 4 स्पीड के साथ में, जिसमें कि आपको 8.19 PS की पावर और 8.79 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिल जाता है। काफ़ी अच्छा पावरफुल इंजन आपको इसमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप TVS यहाँ पर लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। और साथ ही बात करें तो कुछ इस प्रकार से व्यू आता है इस TVS की रेडियन का। बात कर लेते हैं इसकी सीट के बारे में, जो कि इसमें आपको काफ़ी अच्छी कंफर्टेबल सीट देखने को मिल जाती है। देख सकते हैं आप यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी कंफर्टेबल और बड़ी सीट देखने को मिल रही है। और साथ ही पीछे इसमें आपको सामान वगैरह रखने के लिए कैरियर देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर इसमें आपको प्लास्टिक देखने को मिल जाती है। और बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छी कंफर्टेबल सीट है, इसमें काफ़ी वाइड सीट है। और साथ ही इस साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको साड़ी गार्ड वगैरह देखने को मिल रहे हैं। साथ ही ये आता है अपने प्लास्टिक का है ये अपने चेन कवर, जो कि धूल मिट्टी से आपकी चेन को प्रोटेक्ट करता है। और रियर से कुछ इस प्रकार से लुक आता है TVS की रेडियन का। यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं इसका ड्यूल टोन वेरियंट, जिसमें कि आपको पीछे कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगी रेडियन। और बात करें तो यहाँ पर इसमें आपको इंडिकेटर आता है फ्लेक्सीबल, हेलोजन बल्ब के साथ में आते हैं इंडिकेटर, और यहाँ पर आपको हेलोजन बल्ब के साथ में टेललाइट देखने को मिल जाती है। पीछे इसमें 110 mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही टायर साइज़ की बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको इसमें 3/18 का टायर देखने को मिल रहा है पीछे, तो काफ़ी बड़ा टायर देखने को मिल जाता है आपको इसमें। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं आप टायर की ग्रिपिंग भी काफ़ी बेहतर है, जो कि आपको ऑन रोड और सिटी दोनों के लिए काफ़ी अच्छे ग्रिप प्रोवाइड कर देगी। बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इसमें आगे इसमें डे टाइम रनिंग लाइट आती हैं, जिससे कि आप देख सकते हैं ये आती है इसके हेडलाइट के नीचे डे टाइम रनिंग लाइट, और साथ ही ये इसकी हेडलाइट है। तो यहाँ पर इसमें आपको इसका बटन यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जिससे कि स्विच से आप इसकी हेडलाइट को ऑन कर सकते हैं, और साथ ही इसकी बंद रखेंगे तो आपकी इसके DRL जलती रहेगी। ये अपने सेल्फ बटन है। यहाँ पर आपको इसमें लो बीम हाई बीम का बटन देखने को मिल रहा है, और साथ ही यहाँ पर इसमें पास स्विच भी आता है, और ये अपने टर्न इंडिकेटर और ये अपने फोन का स्विच आता है। तो यहाँ पर इसमें स्विच की क्वालिटी काफ़ी बेहतर यूज़ की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं आप TVS की आपको हर एक बाइक में स्विच की क्वालिटी काफ़ी बेहतर देखने को मिल जाएगी। और साथ ही देखें तो कुछ इस प्रकार से फ्रंट से लुक आता है TVS की रेडियन का। यहाँ पर देख सकते हैं आप इसमें रेड कलर का यूज़ भी किया गया है, और साथ ही यहाँ पर ब्लैक कलर का यूज़ भी है, तो काफ़ी अच्छी ड्यूल टोन थीम इसमें आपको देखने को मिल रही है। ब्लैक यहाँ पर आपको रियर का ब्लैक, इसमें आपको फ्रंट का मडगार्ड देखने को मिल रहा है। और साथ ही इसमें आता है कॉम्बी ब्रेक सिस्टम, और इस बाइक में आपको फ्रंट में 130 mm की ड्रम ब्रेक देखने को मिल रही है, और साथ ही यहाँ पर आपको कॉम्बी ब्रेक देखने को मिल रहा है, जिससे कि बाइक की ब्रेकिंग काफ़ी बेहतर हो जाती है। और साथ ही बात कर लेते हैं यहाँ पर फ्रंट में, तो इसमें आता है 2/75/18 का फ्रंट में टायर, और साथ ही आगे और इस पीछे इसमें ट्यूबलेस टायर आते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और
फ्रंट से देखने पर कुछ इस प्रकार से दिखाई देती हैं टीवीएस के रेडियन, और साथ ही इसके मिरर की बात कर लेते हैं जो कि क्रोम में आते हैं और राउंड शेप में आते हैं। काफ़ी शानदार इसके क्रोम मिरर आपको देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि पीछे का व्यू भी आपको इसमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। तो ये थी अपनी टीवीएस की रेडियन का ड्यूल टोन कलर, जिसमें कि आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आप 110 सीसी में कोई बाइक या 100 सीसी की कोई बाइक देख रहे हैं तो आपके लिए ये बाइक काफ़ी बेहतर हो सकती है। फाइनली इसकी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, तो अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ विनोद टीवीएस पर, यहाँ पर आपको टीवीएस की हर एक बाइक देखने को मिल जाएगी और इसकी एक शोरूम प्राइस है अभी 71,000। यहाँ पर आप आकर ऑन रोड प्राइस के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे ऑफर्स भी देखने को मिल जाते हैं इस बाइक के ऊपर। और अगर आपका इस बाइक के बारे में और भी कोई ज़्यादा सवाल या सुझाव हो तो आप शोरूम की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, वहाँ से आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अधिक जानकारी इस बाइक के बारे में जान सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो में, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपका इस बाइक के बारे में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।